8 फरवरी को ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन ये प्रॉपर इलेक्शन होने नहीं है, वन साइडेड इलेक्शन है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि 22 करोड़ आवाम की किस्मत का फैसला कर दिया जाता है, उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। लोग चाहते कुछ और हैं लेकिन उनके साथ होता कुछ और है। सीधी बात है, आवाम को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हम सोचेंगे ना कि यार एक बंदा इस वक्त अंदर है और वो क्यों अंदर है, और जब हम सोचेंगे कि एक बंदा बाहर से आया और क्यों आया, तब हालात बेहतर होंगे। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बिला शुबा बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जिस दिन का सबको इंतजार था, वो दिन आ चुका है। और वो दिन ये था कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कब किया जाएगा, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस की तारीख का ऐलान कर दिया है। मुल्क के अंदर आम इंतखाबात जो हैं वो कल तक ये था कि 11 फरवरी को करवाए जाएंगे, और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में। हल्का बंदियां जो है वो 30 नवंबर तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी। तो चलते हैं, आवाम से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शंस क्या वाकई हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम के इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया, और इससे पहले भी 2 दफ़ा कर चुके हैं। तो इलेक्शंस के ऐलान पर आवाम की क्या राय है और आवाम के क्या तासरात है, क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, आवाम की क्या तवक्कोआत है, क्या उम्मीदें हैं, चलते हैं आवाम से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी साल 2024 इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक हो गया। ये बताएं कि इलेक्शंस करवाने से क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होने। अब काम बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया, इसलिए कि ये इनका अपनी सीटों के पड़े ही है, ये मुल्क के लिए नहीं है। हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन करवाने? इंशाल्लाह हो जाएंगे। किसको वोट देंगे? नून लीग को देंगे। 8 फरवरी साल 2024 इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क के अंदर, आपको लगता है कि इलेक्शंस करवाने से मुल्क के हालात मौसी हालात बेहतर हो जाएंगे? जी सही हो जाएंगे, बेहतर। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ। वोट बनया ना अपना? हाँ। पहले किनू वोट देता? पहले रियाज शरीफ। किनू? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ऐद की? ऐद की ऐद की देखी जैसी हूं केड़ा खड़ो गया। नवाज शरीफ नहीं दोगे? नवाज शरीफ नहीं देने ने वोट देता। वोट किन दोगे? वोट तो ये देखो और ये इससे मसलन बहुत सी बेहतरी आती है अवाम में भी, पैसे में भी पैसा निकलता है। यानी आजकल तो लोगों ने पैसे दबा के रखा हुआ है, निकालते नहीं है, जब इलेक्शन होंगे तो निकलेगा। सर वोट किसको दे रहे हैं? नून लीग को। सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत शऊर दिया है, लोगों के अंदर इतनी नॉलेज इतनी समझ इससे पहले नहीं थी। सर इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी साल 2024। जी जी। इलेक्शन से हालात बेहतर हो गए? नहीं, इन्होंने इलेक्शन से पहले हालात बेहतर करने हैं, जो सी नवाज हुकूमत है ना, इसने इलेक्शन से पहले हालात बेहतर करने हैं। तकरीबन पेट्रोल 30 रुपए नीचे ले गए हैं, बकाया सारी चीजें डॉलर भी नीचे ले गए हैं, लेकिन ना इन्होंने पहले अवाम के मन में डालना है लालच, ताकि अवाम इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दे। लेकिन जैसी हमारी अवाम है जाहिल, इनको शौर नहीं है, तो इन्होंने इनको इनको वोट लाजमी देने हैं। अगर मुकाबला करना है ना इलेक्शन का, तो इमरान खान को बाहर निकालें, जलसे हों, फिर पता लगेगा इलेक्शन जो से हैं वो किस तरह होते हैं। रोजी रोटी का जो एक बर्डन है, एक बोझ है, वो इंसान को कुछ और करने देता ही नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में हम देखते हैं कि एक रेडी लगाने वाला भी, एक फ्रूट बेचने वाला भी, एटलीस्ट उसको ये पता होता है कि सियासत में क्या चल रहा है। इमरान खान बाहर ना आया तो आपका वोट किधर जाएगा? हमने वोट ही देना। सर हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन से? हालात तो पहले ही बेहतर हैं। आपको भी पता है अगला वज़ीर आज़म कौन है और किसकी हुकूमत है, हमें भी पता है, पहले भी उन्हीं की हुकूमत थी, अब भी उन्हीं की है, तो इलेक्शन के बाद भी उन्हीं की होगी, तो वो पहले करने चाहें या बाद में करने चाहें? वोट किसको दे रहे हैं? मियां नवाज शरीफ। जहाँ तक हालात की बात है, हालात तो तभी बेहतर होंगे जब कोई मतलब वो पाकिस्तान के लिए अच्छा आएगा, और जो तो नज़र आ रहा है उस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा कुछ भी नहीं है। अब हमें पता है इलेक्शन होने हैं, 8 तारीख को ऐलान हो गया है,
अब से दो घंटे पहले या चार घंटे पहले या एक दिन पहले हमें नहीं पता था इलेक्शन कब होने, मगर ये पता था आना किसमें। सर 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए इलेक्शन वाहिद हल है? वाहिद हल है, लेकिन अगर इमरान खान को निकालते उनके कैसेस खत्म करते तभी कुछ हल निकल सकता है, वरना उम्मीद तो नहीं है। आपका वोट किसके लिए होगा? हमारा वोट ऑफ कोर्स खान के लिए होगा। आपका सर? इमरान खान। इलेक्शन से वैसे हालात बेहतर होंगे कि नहीं होंगे? अच्छे रहेंगे, लग नहीं रहा। सर आपका वोट किसके लिए? पीटीआई के। पीटीआई। मैं इमरान खान का वोटर हूँ, अगर इमरान खान की पार्टी को नहीं लाएंगे, इमरान खान को नहीं लाएंगे, वोट नहीं दूंगा किसी को भी। किसी जाया हो जाएगा? बिल्कुल जाया हो जाएगा जी इंशाल्लाह। अगर इमरान खान को बाहर निकाल दिया जाए तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन अच्छे होंगे और हालात भी बेहतर हो जाएगा अगर इमरान खान बाहर आए। देखिए उसमें ये है कि अल्लाह पाक की मर्जी से जो भी आएगा, अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई काम नहीं होता है, किसी जगह भी कोई काम नहीं होता। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह इमरान खान को। इमरान खान। सर आप किसको वोट दे रहे हैं? इमरान खान। सर जी शिनाख्त कार्ड नहीं बनवा मेरा आपने? हाँ जी वैसे तो इमरान खान के साथ हैं हम। इमरान खान के साथ। आप किसको देंगे? इमरान खान के साथ। हम भी इमरान खान के साथ। सर आप पीटीआई? पीटीआई। हाँ जी। अगर इलेक्शंस में पीटीआई को नहीं आने देते, वो जमात होती नहीं है, तो फिर किसको देंगे? किसी को नहीं देंगे भाई। फिर किसी को नहीं जाया कर देंगे? हाँ जाया कर। आवाम को खड़ा तो होना पड़ेगा ना, आवाम को खड़ा तो होना पड़ेगा, कोई ना कोई फिर वो लेंगे, स्टैंड तो लेंगे हम इमरान खान के लिए। अगर मुल्क में इलेक्शन हो जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे? मुश्किल ही है। 8 फरवरी को ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन तो हो जाएंगे लेकिन ये प्रॉपर इलेक्शन होने नहीं है, वन साइडेड इलेक्शन है। जैसे आपने देखा नवाज शरीफ को आया हुआ पाकिस्तान में, सारी सिक्योरिटी उसके साथ थी, हर फोर्सेज हर दारा उसके साथ था, तो क्या करेगा, वन साइडेड इलेक्शन है सारे। इलेक्शन पता नहीं होंगे भी या नहीं, अभी तो ये भी ऐलान तो पहले भी ये लोग करते रहे हैं कि हो जाएंगे लेकिन अभी तक तो कोई नहीं, अभी देखते हैं 8 फरवरी को। लेकिन ये उस सूरत में बेहतर होंगे अगर ये पीटीआई को सही तरीके से इमरान खान को रिहा करके इलेक्शन करें, फिर हालात ठीक होंगे। इलेक्शन हो जाते हैं तो आपका वोट किसके लिए? पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए डेफिनेटली। आपका वोट किसके लिए? इमरान खान लिए। इमरान खान जिंदाबाद। वैध हल तो है पर इमरान खान आएगा तो फिर वोट देंगे, इमरान खान नहीं आएगा तो वोट नहीं देंगे, कन्फर्म है। आपका वोट नहीं जाएगा, निकास ही नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सर 8 फरवरी इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क के अंदर, हालात बेहतर हो जाएंगे इलेक्शन से? नहीं होंगे, जेडे इन्हां दे हालात बनाई खड़े नहीं होंगे, इलेक्शन का भी नहीं होना। ओनू कटन के जेनू अंदर कीता ने तां ही कुछ गल बननी है, ओनू बंद कर दी ते इलेक्शन कराउण दा फायदा पता रहंदा ना, दो आपां ते लड़ पवें जोड़ बराबर होवे फिर पता लगदा हरदा कौन है जिंदा कौन है। वोट किन्नू दोगे? इलेक्शन होने जा रहे मुल्क जे इमरान खान या जमात ना हुई फिर किन्नू वोट दोगे? इमरान खान फिर भी तब्दीली। सर 8 तारीख को 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं मुल्क में, बेहतर हो जाएंगे हालात इंशाल्लाह? इलेक्शन वाहिद हल है मुल्क के अंदर हालात को बेहतर करने का इंशाल्लाह। पीटीआई। अगर पीटीआई नहीं होती है इस दफा इलेक्शंस में तो फिर किसको देंगे? होगी होगी पीटीआई होगी, इमरान खान होगा इंशाल्लाह, इलेक्शन में भी होगा और जीतेगा भी। जी सर। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, हाँ हम उसके साथ हैं। जो फिजा कायम की जा रही है यानी मियां नवाज शरीफ का वतन वापस आना, उसके कुछ दिन के बाद इलेक्शंस का अनाउंस हो जाना, हमें नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए? जाहिर बात है जो पॉलिटिशियन आता है, जो सदर आता है, जो वजीर आजम आता है, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पब्लिक, तो जब तक आवाम को साथ लूप में नहीं लिया जाएगा, एतमाद में नहीं लिया जाएगा, तो फिर इलेक्शंस भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन का ऐलान बहरहाल ECP ने यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन ये इलेक्शंस के हद तक कामयाब होंगे और क्या ये ऐलान हतमी है? इस तारीख को इलेक्शन हो भी जाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कहीं आगे चलकर फैसला तब्दील ना हो जाए। बहरहाल ओवरऑल व्यू यही है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, अब बहुत हो गया। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या आप भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और आप भी समझते हैं कि इलेक्शन हो जाना मुल्क के अंदर मुआशी और सियासी हालात को बेहतर करना और एक इस्तेहकाम लाने का वाहिद हल है? उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोज भी पहुंचती रहें।
स्टे ब्लेस्ड।